ऐसा है कि कुछ लोग आज ट्राई करते हैं कि हम आपसे बात करें, और आज के आज और अभी के अभी हम उनको रिप्लाई नहीं दें, उनका 10 कमेंट आएगा तो हमारे पास इतना तो समय नहीं ना है कि हम 10ों का 10ों कमेंट दें, उसके बाद भी उसमें रिप्लाई आएगा तो बार 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 आप खुद बताइए कमेंट सेक्शन में आप किसी से कितने देर तक बात कर सकते हैं। आप बस एक बार सोच के देखिए, आप खुद पे लेके देखिए इस चीज, आपको लगेगा घमंड दिखा रहे हैं, आपको हर एक बात में ही लगता है। कुछ लोग हैं जिसको हर बात ही हमारा लगता है कि घमंड में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे घर का भी काम होता है, सोशल मीडिया का भी काम होता है, हमारा जो बिजनेस स्टार्ट है उसका भी काम होता है। आई नो ओनली हम नहीं कर रहे, हमारा टीम ही कर रहा है, बट हमारा कम से कम घर तो संभालना होता है ना। कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है हम दिन भर फोन पे बैठे होते हैं, दिन भर आपका कमेंट पढ़ते रहते हैं और रिप्लाई नहीं देते हैं? आपको ऐसा लगता है कि पढ़ रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहे? और इसी में से हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कमेंट क्या आया है, ये लोग छोटे छोटे लोग से नहीं मिलते हैं, ये लोग बस 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले से मिलते हैं, ये बस बड़े लोग से मिलते हैं। तो आप बताइए कि एक अभी ओनली एक जगह हम लोग गए हैं मिलने, तब आपको इतना ज्यादा ये चीज लग रहा है कि हम ओनली 1 मिलियन वालों से मिलते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर से नहीं मिलते हैं? तो आप बताइए कि क्या करें हम, सब किसी से एड्रेस मांग के और सब किसी के घर पे जाके घूमते रहें, चाय नाश्ता करते रहें, यही काम रह गया? हमारे घर पे कोई काम नहीं है ना। आपके कहने का तात्पर्य शायद ये ना हो, बट इस टाइम मेरे को सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा। अभी हम कितने हाई लेवल पे चले गए हैं कि आप लोग का ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है, अभी तो हम खुद को हाई लेवल पे, क्या हम मिड में भी अभी खुद को नहीं मानते हैं? फिर ये चीज कहाँ से आ जाता है, ये 300 200 वाले लोग आ जाते हैं, मेरे को दिक्कत नहीं है, हम हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं, हम ओनली बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। उन लोगों को रिप्लाई तक चेक करने नहीं आता है कि हाँ मेरा रिप्लाई आया है मेन आईडी से, रिप्लाई तक वो लोग चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट आके दूसरा कमेंट छोड़ देंगे, ये लोग रिप्लाई नहीं देते, भाव नहीं देते, तुम कमेंट क्यों कर रहे हो, ये तो रिप्लाई कभी देगी नहीं। इतने बड़े लोग हम लोग नहीं हुए हैं, हम जस्ट बोलते हैं कि कमेंट कर सकते हैं आप, ज्यादा कुछ आपको जानकारी चाहिए, ज्यादा कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे आए, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं तो बहुत सारा सेटिंग्स होता है या फिर छोटा मोटा ट्रिक्स होता है, वो हर चीज हम नहीं बता सकते ना, बता सकते हैं बट बहुत ज्यादा लॉन्ग फॉर्म हो जाता है, उतना लॉन्ग फॉर्म हम मैसेज में कितना बता पाएंगे? तो जितना मेरे से पॉसिबल होता है उतना बता पाते, बाकी क्या ही कह सकते हैं। हैं कुछ लोग जो कि हर बार, बहुत सारे लोग हैं ना जो कि हमको मोटिवेट करते हैं कि दीदी इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, ऐसा ऐसा चलते रहता है, लेकिन खुद का भी एक मेंटेलिटी होता है ना, हम सच में अब ध्यान देना बहुत कम कर दिए इन सब चीज पे, लेकिन खुद से आप सोच के देखिए एक बार, सामने वाले जिसको आप बोल रहे ना एटलीस्ट उसकी जगह पे खुद को रख के एक बार देख लीजिए उसके बाद। सो हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सोना सिंह। बात ऐसा है कि बहुत दिन, लगभग महीने 2 महीने हो गए हेयर केयर का वीडियो बनाते हुए, और छोटा मोटा एक आध कमेंट भी आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है जिस लेवल पे हम कर रहे हैं, बट आता है तो उसके लिए हम सोच रहे हैं, कंटेंट के कमी में सोच रहे हैं कि चलो ये भी कर ही लेते हैं जैसा कि करते हैं। तो हम अपना जो मेरा हेयर केयर रूटीन है, शायद हम ये चौथे पांचवे बार शेयर कर रहे हैं, बट कुछ न्यू व्यूअर भी आते हैं जो कि पुराना वीडियो नहीं देख पाते, बस उनके लिए, क्योंकि ये चीज शायद सेम ही जा रहा है। बाकी आप चाहें तो इसमें उतार चढ़ाव अपने मुताबिक कर सकते हैं, जिसके लिए हमको चाहिए लाल प्याज, मतलब आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल प्याज जो भी आप आपके घर में हो आप ले सकते हैं। हम कोशिश करते हैं खर्चा कम हो, इसलिए हम आपको यही बता रहे हैं, बाकी हैं बहुत सारे उपाय। और ये जो होता है ना रगड़ने वाला, कद्दूकस करने वाला, तो ये चाहिए आपको, या फिर आप चाहें तो आप ग्राइंडर में भी इसको वो कर सकते हैं, काट काट के ग्राइंडर में पीस के उसके बाद में स्ट्रेनर या फिर कोई भी ये कॉटन का जो कपड़ा होता है ना उससे आप इसको छान लें। अभी पहले हम इसको, चलिए लाइव कर ही लेते हैं, पहले इसको रगड़ के उसके बाद में फिर इसका जूस निकाल लेंगे, और उसके बाद में फिर अप्लाई क्या करना है कैसे करना है सब शायद हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, बट फिर से बना रहे हैं तो फिर से सब कुछ डिटेल में बताएंगे, क्योंकि क्या ही फायदा, आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए, दे रहे हैं तो पूरा, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। तो अभी इसको ऐसे 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 कर लेंगे, क्योंकि ये तो हर किसी के घर में होता ही है कद्दूकस करने वाला, आप इसे आराम से कद्दूकस कर लीजिए, और उसके बाद फिर जब इसका जो पेस्ट आएगा उसके बाद उसको छान लीजिएगा। फिर अगर आपके पास स्प्रेयर बॉटल है तो ठीक है, जैसा कि हमारे पास भी स्प्रेयर बॉटल नहीं है, ये बहुत पहले का एक हैंड सैनिटाइजर था तो वो खत्म हो गया, तो हम इसका यूज करते हैं, इसमें उस लिक्विड को ट्रांसफर करके इससे स्प्रे कर लेंगे, ओनली रूट्स में करेंगे, क्योंकि बाकी बालों में नहीं चाहिए, ओनली रूट्स में चाहिए। तो अगर आपके पास ये बॉटल नहीं है तो आपके पास रुई होगा, रुई से आप डुबो डुबो के ऐसे डैप डैप करके
पूरे बालों में लगा ले, उसके बाद 5 मिनट मसाज करना, जो कि वीडियो में हम आगे दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं कैसे करते हैं। पहले हम इसको ये कर लें, इसका लिक्विड निकाल लें, फिर आपसे मिलते हैं। और फाइनली हम इसका जूस निकाल चुके हैं, थोड़ा सा झांस लग रहा था उसके बाद। ये वेस्ट मटेरियल है बट हमारे हिसाब से नहीं, आप चाहें अगर तो साफ सुथरे तरीके से हुआ है तो आप चाहें तो सब्जी में जो अनियन पेस्ट यूज करते हैं उसको यूज कर सकते हैं। हम करते हैं ये, हम आज बताएं। ये हो गया उसका जूस जो हम निकाले हैं और इसको जस्ट इसमें ट्रांसफर कर देंगे। हम पहले भी बोले कि अगर आपके पास स्प्रेयर वाला बॉटल नहीं है तो आप आराम से इसको रुई की मदद से आप अपने सिर में लगा सकते हैं। और क्योंकि हम भी ये खरीदे नहीं है, हम हमेशा कोशिश करते हैं ना जितना कम खर्चा हो सके या फिर घर में जितने सामान अवेलेबल है उसी में हो सके, बाहरी खर्चा हम नहीं करना भी चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं। उसके बाद में कुछ नहीं करना है जस्ट। हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है, बहुत लोग पूछते भी हैं कि दीदी ये सिर में अगर ऑयल लगा हुआ है तो हम लगा सकते हैं, तब उस चीज के लिए हम बता रहे हैं कि सिर में ऑयल अगर लगा है तब मत लगाएगा, बिकॉज ये क्या है कि फिर ऊपर ऊपर ही बह जाएगा, ये जड़ में लगेगा नहीं, जड़ के अंदर ये जाना चाहिए। तो इसलिए आप ट्राई करें कि जब आपके बाल सूखे हों, और ये कब लगाना है ये भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, हम बहुत ज्यादा चीज बताने लगते हैं तो फिर मेरे को डर लगने लगता है कि कोई ये ना कहते ज्यादा ज्ञान मत दो, क्योंकि ये चीज हम बहुत बार सुन चुके हैं। तो इसलिए लेकिन फिर बता रहे हैं कि आप ट्राई करिएगा कि जिस दिन भी आपको शैम्पू करना हो, मान के चलते हैं कि आज करना है तो कल रात को हम ये रेमेडी यूज करें। और अगर पसीना वाला प्रॉब्लम ज्यादा है जैसे कि गर्मी में होता ही है, तब आप क्या कर सकते हैं, शैम्पू करने के 2 घंटे पहले, जैसे कि हाउसवाइफ लोग को काम ही होता है तो आराम से आप सुबह में उठते हुए लगा लो, उसके बाद में काम धाम अपना जितना है सब कर लो, फिर नहा लो डायरेक्ट 3-4 घंटे 2 घंटे उसके बाद आप नहा लीजिए। लेकिन रात को अगर आप लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि सुबह उठते नहा ले, बहुत ज्यादा देर भी नहीं छोड़े नहीं तो फिर हेयर फॉल होने लगता है। और ये चीज है। और ये हो गया एक सीरम जो कि हम यूज करते हैं, बाकी तेल भी हम लगाते हैं, महीने में एक बार किसी दिन तेल लगा लेते हैं, वो भी जरूरी है। और तेल का ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई कोई लगाइए, जो आपको सूट करते आया है पहले से वही लगाइए, किसी के रिकमेंडेशन में आप नया नया चीज बार बार ट्राई ना करें, खासकर जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स हो वो तो बिल्कुल ही ट्राई नहीं करें। अगर आपके बाल नहीं सहते हैं, सहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि आराम से ऐसे ऐसे सेक्शन वाइज आपको, मतलब होता है ना फाड़ काटना हम लोग कहते हैं अपने भाषा में, ऐसे बस फाड़ काटिए। उसके बाद में जस्ट ये करना है और जस्ट स्प्रे हो गया, फिर थोड़ा सा ऐसे 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 करके मिला लेंगे और ऐसे ही पूरे बाल में हमको कर लेना है। पूरे बाल में जब लग जाएगा उसके बाद जस्ट ऐसे हाथ ले जाना है, आराम आराम से, आराम आराम से मसाज करना है। अगर आपके पास कोई है आपको बहुत चाहने वाला तो आप उससे करवा सकते हैं, बाकी हम लोग को तो खुद ही करना पड़ता है, जो भी करना है करो। और ये लगा लेने के बाद 2 घंटे हम ऐसे छोड़ देंगे, बाकी जो काम होगा उतने देर में निपटा लेंगे और उसके बाद में हम शैम्पू कर लेंगे। शैम्पू के बाद हमारा क्या रूटीन होता है वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, तब तक बने रहिए इसी वीडियो में। हम पूरे बालों में लगा चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा बाल गीला हो गया, बट बाल गीला हुआ है तो अनियन जूस से। और एक बात हम वीडियो के शुरू में बताना भूल गए थे जो कि अब बता रहे हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, आपको ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या बाल थोड़ा ज्यादा तेजी से आपको चाहिए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं ना, 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, एक छोटा प्याज है तो 2 ले लीजिए, बड़ा प्याज है तो 1, उसको ग्राइंड करिए, फिर उसका जूस छान लीजिए। और उसके बाद में हमारा क्या हुआ ना कि जब हम लगा रहे थे तो हमारा स्प्रेयर बॉटल धोखा दे दिया, स्प्रे कर रहे हैं जा ही नहीं रहा था, तो फिर कटोरी से क्या था कि पहले से स्प्रेयर बॉटल था तो रुई नहीं था मेरे पास, तो डायरेक्ट हम उसमें डाले और फिर ऐसे डाल के जैसे तेल लगाते हैं ना वैसे लगाएं। बाकी अभी मसाज कर लेंगे, मसाज से बहुत ज्यादा फायदा होता है, डिटेल में बताएं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन बस इतना कह सकते हैं ना, इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका शुरू हो जाता है। अच्छा, उसे क्या होता है कि नए नए बाल उगते हैं, बहुत देर तक ऐसे छोड़ देने पे होता नहीं है, फैट जमा हो जाते हैं या फिर
बहुत सारे वो नलियां होती हैं ना, हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बात खत्म है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत मसाज भी कर लीजिए, और घसना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, जाल के बहुत ज्यादा घसते हैं, वो मत करिएगा। नॉर्मली ऐसे ऐसे अपना मसाज करिए, और उसके बाद में फिर 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे जितना आप चाहें छोड़ के, उसके बाद शैम्पू कर दे। हम बोले थे कि आपको शैम्पू के बाद का प्रोसेस भी दिखाएंगे, जो कि हम नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना उसमें हम शैम्पू के बाद का प्रोसेस दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में बस इतना ही था, बाकी कोई कंफ्यूजन रहेगा और शैम्पू को लेके हम पहले भी बता चुके हैं, क्लिनिक प्लस यूज करते हैं, और भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे पाए हम।